नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में मैं भगत सेन जी के दोहे लेकर आई हूँ आपके लिए। बच्चों, जो भगत सेन जी हैं वो एक नाई थे और वो नाई का काम करते थे राजा राम नाम के एक राजा के दरबार में। इनसे संबंधित एक कथा है कि एक बार जब ये राजा के दरबार में जा रहे थे अपना काम करने के लिए, उस समय इनको रास्ते में कुछ साधु संत मिल गए। इनको साधु संतों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था, तो ये उनकी सेवा में लग गए और इस वजह से उस दिन ये दरबार नहीं जा सके, जबकि इनको राजा का कोई ज़रूरी काम करना था। और अगले दिन फिर ये राजा के पास जाते हैं और राजा से क्षमा मांगते हैं, और राजा तो उनको कहता है कि तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो, क्योंकि तुम तो कल आए थे और तुमने मेरी हजामत भी की थी। तब यह चीज़ जब भगत सेन जी सुनते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं और फिर परमात्मा का गुणगान करने लगते हैं कि उस परमात्मा ने ही, क्योंकि मैं साधु संतों की सेवा में था इसीलिए मेरा यह जो कार्य है उसको उन्होंने निभा दिया। यह बात जब राजा को वो बताते हैं कि कल तो मैं नहीं आया था, तब राजा भी उनका शिष्य बन जाता है। तो इस तरह के परमात्मा के सच्चे भक्त थे भगत सेन जी। उनके कुछ दोहे हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस दोहे में सेन भगत जी परमात्मा के अमृत प्रेम की बात कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। सेन भगत कहते हैं, सेना अमृत प्रेम को जिन पियो बड़ भाग, कि उस प्रेम, यहाँ पर प्रेम परमात्मा के प्रेम की बात हो रही है, यानी कि भक्ति की बात हो रही है। तो भगत सेन जी कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने अमृत रूपी प्रेम को पी लिया है, यानी कि भक्ति रूपी प्रेम को पा लिया है, वह तो जिन पियो बड़भाग, उसको ऐसे खुशकिस्मत व्यक्ति ने जिसने उस भक्ति के अमृत को पी लिया है, हृदय तैतरी बज उठे गूंजे 36 राग, उसके हृदय में तो हलचल हो जाती है और 36 राग गूंजने लगते हैं। अब यहाँ पर सेन भगत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा की भक्ति का जिसको दान मिल गया है, ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही भाग्यशाली है। और उसको फिर आध्यात्मिक अनुभव में वो बताते हैं कि उसको तो 36 के 36 राग सुनाई देते हैं, यानी कि परमात्मा की भक्ति में लीन होने से व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस दोहे में वे यह कहना चाहते हैं। अगला दोहा पढ़ेंगे। अब वृद्धावस्था की बात करते हैं इस दोहे में सेन जी। केस पक्या दृष्टि गई झरिया दंत और धुन। भगत सेन जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे मेरे मन, अब तो तू बूढ़ा हो गया कि तेरे तो केश पक गए, यानी कि तेरे तो बाल सफ़ेद हो गए और तेरी दृष्टि भी चली गई, अब तुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता और तेरे दांत भी झड़ गए हैं। सेना मृत्यु आप उगी कर ले समरन पुन, कर ले सुमरन पुन। कि हे सेन, अपने आप को समझाते हुए वो कहते हैं कि अब तो मृत्यु आ पहुंची, अब तो मृत्यु आ ही गई है। कहने का अर्थ कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरे दांत झड़ गए हैं, तो अब तो मृत्यु पास ही है मेरे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। कर ले सुमरन पुन, भगवान का सिमरन करना चाहिए, परमात्मा को मुझे याद करना चाहिए और पुण्य के कार्य करने चाहिए। तो यानी कि भगत सेन जी इस दोहे में कह रहे हैं कि व्यक्ति को वैसे भी मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए और बुढ़ापे में ही परमात्मा का भजन नहीं, परमात्मा का हमेशा भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा का सिमरन करते रहना चाहिए और पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। अगला दोहा। अब इस दोहे में भगत सेन जी भाग्य की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह अपनी किस्मत का ही खाता है, जितना उसकी किस्मत में लिखा है ना वह उतना ही खा पाएगा, चाहे वह जितनी मर्जी कोशिश कर ले। सेन कहते हैं, सेना संपत्ति लोभ वश गए समंदर पार, कि संपत्ति के लोभ की वजह से, संपत्ति के लालच की वजह से समुद्र से भी पार चले गए लोग। समुद्र पार करने का यानी कि विदेश में जाकर चला गया एक ऐसा व्यक्ति जिसको संपत्ति प्राप्त करने का बहुत ही लालच था। तां भी मिलिया संखड़ा विदना लिखो ललार, वहां पर भी उसको शंख ही मिला। विदना लिखो ललार, उसके ललाट पर, उसके माथे के ऊपर तो उसका भाग्य विदना, यानी कि उसके भाग्य को उसके माथे पर लिखा ही गया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके माथे के ऊपर। तो अब वह अगर दूसरी जगह भी चला जाएगा, दूसरे विदेश में भी अगर वह व्यक्ति चला जाएगा, उसको वहां पर जाकर भी उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। इस दोहे में वे भाग्य की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो आपके भाग्य में है वह चीज़ आपको मिल ही जाएगी, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है उसके लिए जितनी भी दौड़ धूप कर लें वो आपको नहीं मिलेगी। तो कहने का अर्थ क्या,
कि व्यक्ति के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। भगत सैन ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए जितना आपको मिल रहा है, ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, जितना आपके भाग्य में लिखा है आपको वह ही मिलेगा, तो ज़्यादा लालच करके अपने को परेशान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस दोहे में वे ये कहते हैं। अब अगला दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में भी सैन भगत जी बुढ़ापे की बात कर रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, व्यक्ति को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। केस कनौती उजली सपट सेन सो देय, सेना समयो आप उगयो राम नाम भज ले, कि अब तुम्हारे केस जो हैं वो कान के ऊपर के जो केस हैं वो सब सफ़ेद हो गए हैं, और सेना अब हे सैन अब मेरा समय आ पहुंचा है, यानी कि बुढ़ापा आ गया है, अब तो मुझे राम नाम का भजन कर ही लेना चाहिए। इस दोहे में संसार की निश्वरता के बारे में बता रहे हैं सैन भगत जी कि सेना रो किण सुमर देख हुसू किण अब, कि इस अपने आप को समझाते हुए वो कहते हैं कि मैं किसको सुमर, किसको याद करके रो, और किसको देखकर अभी जो मेरे सामने है किसको देखकर अभी मैं हंसूं। जो आए थे सब गए हैं सो जई हैं सब, जो आए थे वो तो सबके सब चले गए। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो जो व्यक्ति एक बार आ गया वह तो चला गया, जो पहले आए थे वो कब के चले भी गए, और जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो भी जाएंगे सभी के सभी, क्योंकि नश्वर हैं सभी, सभी के शरीर नश्वर हैं। तो इसीलिए सैन भगत जी कहते हैं कि मैं किसको याद करके रहूं, किसको देखकर मैं खुश होऊं, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसने तो चले ही जाना है। तो संसार की नश्वरता की ओर इशारा करते हुए भगत सैन जी कहना यह चाहते हैं इस दोहे में कि यह संसार तो नश्वर है, तो शाश्वत क्या है? शाश्वत है परमात्मा, तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नश्वर संसार की तरफ ज़्यादा नहीं भागा दौड़ी करनी चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि भगत सैन जी के दोहे आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही आध्यात्मिक उन्होंने दोहे बनाए हैं, संसार की नश्वरता को उन्होंने बार बार अपने दोहों में बताया है, और पूरे वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्या।